देखो, जब मूवी का ट्रेलर आया था, यानी कि शहजादा मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब तो मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हाँ, बहुत लोग उसमें कंपेयर कर रहे थे ट्रेलर के नीचे कि अल्लू अर्जुन सर बेस्ट हैं, उनकी जगह कार्तिक आर्यन नहीं ले सकते। डेफिनेटली वो सब एक तरीके से होता है ना कि फैन हैं उनके, और वो उस इमोशंस में बहकर वो बातें कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने वीडियो में कहा था कि देखो, आप कार्तिक आर्यन सर के, आपने अगर मूवी देखी हो भूल भुलैया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि भाई ये मूवी अच्छी नहीं जाएगी, और वो बहुत ज्यादा अच्छी जाती है, बहुत बढ़िया कमाई वो करके जाती है, उसी बेस पे मैंने उम्मीद की थी कि यार शहजादा मूवी भी काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली होगी, ऐसा मैंने सोचा था पॉजिटिव वे में। ये सारी चीजें मैंने पॉजिटिव वे में सोची थी, लेकिन जब मूवी रिलीज होती है तो देखो यार, इतना उम्मीदें मैंने लगा के मैं इस मूवी को देखने गया। डेफिनेटली मैंने इस मूवी को बहुत पहले देख लिया था, अब शायद ये थिएटर्स में है या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, उस वक्त मैं जब मैंने इस मूवी को देखा, इसके बारे में मैंने लिख लिया था। आज मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ऑब्वियसली यार, वैसे ही चैनल के ऊपर वीडियोज़ नहीं जा रही हैं, तो अब ये स्क्रिप्ट लिखी लिखाई रह जाएगी, इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई तो यार बहुत मुझे बुरा लगेगा, और इस बहाने एक वीडियो भी चली जाएगी। तो जिनको नहीं पता है शहजादा मूवी के बारे में कि भाई वो किस मूवी की रीमेक है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक मूवी आई थी 2020 के अंदर, उसका नाम मैंने लिखा है क्योंकि नाम थोड़ा सा लंबा है, याद करने में मुझे तकलीफ हो रही थी। अला वेंकट पुरमल्लू, ये जो मूवी आई थी 2020 के अंदर, एक ये जो मूवी थी, मैंने इसको ओरिजिनल, जो मूवी है इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा था, तेलुगु इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। उस ऑब्वियसली मुझे तेलुगु नहीं आती है, सबटाइटल नीचे थे, मतलब इंग्लिश में सबटाइटल थे, तो एक तरफ वहां कैसे एक ऐसे ऐसे करता मैं इस मूवी को मैं देख रहा था। तो मुझे वो मूवी, ओरिजिनल मूवी की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और इस ओरिजिनल मूवी में आपको कलाकार के नजर में, मतलब जो मेन कलाकार जो है वो आपको नजर आएंगे, वो है अल्लू अर्जुन सर। आप उनका स्टाइल, उनकी परफॉर्मेंस, उनका एक्शन, उनका डांस, एक जो एटीट्यूड है, वो कैसे आप, मतलब कैसे कह सकते हो कि यार ये कोई आप मैच कर पाओगे, कोई और मैच कर पाएगा, वो हो ही नहीं सकता है। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ऑब्वियस डेफिनेटली जो ओरिजिनल मूवी थी वो हिट हुई थी। अब बॉलीवुड वालों को लगा कि यार ये मूवी हिट हुई है तो इसके ऊपर एक रीमेक बना दी जाए, तो शहजादा मूवी जो है वो आपको एक तरीके से रीमेक देखने को मिलती। कहानी क्या है, देखो एक अमीर परिवार है, एक गरीब परिवार है। अमीर परिवार और गरीब परिवार दोनों परिवारों का जो है एक ही टाइम में बच्चा पैदा होता है, एक सेम हॉस्पिटल में, सेम टाइम में, मतलब सेम फ्लोर भी होता है, इतना ही होता है। तो वहां पर गरीब परिवार क्या करता है, अपने बच्चे को बदल देता है अमीर परिवार के बच्चे से। अब जो गरीब परिवार के अंदर जो बच्चा आ गया है, बदला हुआ बच्चा, वो बड़ा होकर बंटू बनता है, जिसको प्ले किया कार्तिक आर्यन। अब कार्तिक आर्यन को पता चलता है कि भाई साहब उसका जो परिवार, उसको बचपन में ही बदल दिया जाता है, अब वो परिवार में जाने की कोशिश करता है। तो यही इस मूवी की स्टोरी होने वाली है, मतलब ऐसा मत समझना कि यार मैंने सारी ही स्टोरी आप लोगों को बता दी। अरे आप जब ट्रेलर देखोगे तो डेफिनेटली आपको सारी स्टोरी पता चल ही जाएगी, मैंने कोई अलग से आपको इसमें नहीं बता दिया है। अब देखो, मैंने ओरिजिनल मूवी देख रखी थी तो मुझे लगा कि यार इस जो ये जो रीमेक बन रही है, इसके अंदर नया क्या देखने को मिलेगा, क्यूरियोसिटी बहुत थी, तो इसलिए मूवी को देखने गया था। सच कहूं यार, जो उम्मीदें मैं इस मूवी के मतलब लेके गया था, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। इवन जो मेरी जो मतलब यादें थी ओरिजिनल मूवी की, वो भी एक तरीके से यार इन्होंने खराब करने की कोशिश की है कि यार क्यों इस मूवी को मैं देखने आया। अब देखो, एक तरफ अल्लू अर्जुन सर है, एक तरफ कार्तिक आर्यन जी हैं, अब आप एक दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सेम चीज़ आप लोगों को वो देखने को मिल जाएगी, वो सेम मज़ा जो आपको ओरिजिनल मूवी में आया था, वो आपको ये जो रीमेक आई है उसमें देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब जो स्टाइल है, जो एक्शन है, जैसे मैंने कहा ना कि एक सूट करता है अल्लू अर्जुन सर के ऊपर, जो एक एटीट्यूड है, एक मतलब आप उनका यार चलने का स्टाइल देखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इस मूवी। मुझे डेफिनेटली भाई, वो गमछा बांध के माथे के ऊपर, मतलब मुंह के अंदर वो पता नहीं एक तिली थी क्या था, मुझे अब याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया देखे। तो वो जो स्कूटर से आते हैं, हाथ में, हाथ के ऊपर जो एक मुर्गा होता है, मुर्गी होती है, उसका जेंडर मुझे नहीं पता या जो भी है, तो वो जब आप सीन देखते हैं ना, वो एक आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है, एक नेक्स्ट लेवल वो सीन होता है। आप कैसे उम्मीद करोगे, आप कैसे सोचोगे कि यार वो सेम जो मज़ा आपको ओरिजिनल मूवी मिला था, वो सेम चीज़ आपको इस जो रीमेक आई उसमें देखने को मिलेगा, वो नहीं है यार, वो फील ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज जो मुझे इसमें लगी कि यार देखो, आप ओरिजिनल मूवी में स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक कनेक्ट रहोगे, एक इमोशन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से उस मूवी में दिखाए गए, लेकिन वो इमोशन, वो कनेक्टिविटी आप इस रीमेक मूवी के अंदर मिस करोगे यार। मतलब
मजा नहीं आया ऐसा कह सकते हैं। हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने ओरिजिनल मूवी देख रखी है इसलिए मैं इस मूवी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर पाया। आप लोगों ने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी होगी तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ भी सकती है। देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। आप मेरे विचारों से प्रभावित हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, आपकी खुद की कुछ सोच होगी, आप उस बेस पर इस मूवी को देखने गए होंगे, आपको मूवी पसंद आ गई होगी। खैर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से तो देखो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 4 out of 10। आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखा तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए, जब ये OTT पे आए तो देख लेना, क्योंकि अभी हाल ही में जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मूवी अभी थिएटर्स में तो नहीं होगी, क्योंकि वीडियो बनाने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।